हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये सुबह का देखो कितना, मतलब धुंध सी हो रही है, कितनी धुंध है। और नीचे काफ़ी ऐसा है, ऐसा लग रहा है जैसे ना हल्की हल्की बारिश हुई है, पर बारिश नहीं है, ये सारी धुंध है उसी का है। और बहुत धुंध हो रही है अभी, जब से बारिश बंद हुई है तभी से। तो ये मैं थोड़ा सा लहसुन और प्याज वगैरह सब्जी की कर रही हूँ तैयारी। तो सुबह का नाश्ता वगैरह तो सारा कुछ हो चुका है, और आज मुझे बनानी है गाजर मटर आलू वाली सब्जी। तो बस उसी के लिए मैं सब्जी काट रही हूँ, और मैं प्याज वगैरह वो सब रेडी कर रही हूँ। और काफ़ी धुंध हो रही है 2 दिन से, जब से बारिश बंद होके, और मतलब थोड़ा सा मौसम खुला है। धूप तो बहुत लेट निकलती है, और बहुत हल्की हल्की निकलती है, पर निकलती है 1-1.5 बजे के ऐसे निकलती है। और काफ़ी मतलब सुबह की टाइम ऐसा, जैसे बाहर निकल के जाओ तो ऐसा लगता है हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, इस टाइप से हो रहा है मौसम। तो आज मुझे बनानी है गाजर मटर आलू वाली सब्जी, और ये मैं सीजन की पहली सब्जी बना रही हूँ। और क्योंकि मुझे और मेरे बेटे को गाजर मटर आलू बहुत पसंद है, पर मेरे बेटी को और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी बेटी तो तब भी थोड़ा बहुत खा लेती है, पर मेरे हस्बैंड बिल्कुल उसे हाथ तक नहीं लगाते सब्जी को। तो उनके लिए सब्जी रखी हुई है दाल, मतलब रात को हमने बाहर से खाना मंगाया था तो वही दाल रखी हुई है। तो बस अपने लिए और बेटे के लिए बना रही हूँ गाजर मटर आलू की सब्जी, क्योंकि मेरे बेटे का बहुत मन था गाजर मटर आलू की सब्जी खाने का, और कई बारी बोल चुका है। लेकिन मैं फिर इस करके नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर हम 4 लोग हैं, छोटी सी फैमिली है, और अगर कितनी भी कम सब्जी बनाओ तो फिर भी 2-3 कटोरियाँ तो हो ही जाती हैं। तो बस इसी करके कि फिर 2 अलग-अलग सब्जियां बनानी पड़ेंगी। और मतलब क्या है कि सुबह नाश्ता वगैरह, फिर दोपहर में ये खाना, और फिर शाम को फिर खाना, तो फिर वो सब्जी बच जाती है इस करके अगर 2 सब्जी बनाऊंगी तो। इसलिए आज सब्जी थोड़ी रखी हुई थी हस्बैंड के लायक, तो मैंने फिर अपने और बेटे के लायक ये सब्जी थोड़ी सी बना ली है। थोड़ी बहुत तो मेरी बेटी खा लेती है, वो उतना सब्जी में वो नखरा नहीं दिखाती, खा लेती है। लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी इस सब्जी को हाथ नहीं लगाते, उन्हें गाजर ना, वो गाजर का हलवा खाते हैं और ना ही मतलब गाजर की सब्जी खाते हैं। मतलब पता नहीं क्यों उन्हें गाजर नहीं पसंद है। गाजर का हलवा मतलब ऐसा ही कोई इंसान होगा जिसे गाजर का हलवा नहीं पसंद हो, पर मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। तो बस मैंने सब्जी में लगा दिया तड़का, और सब्जी मेरी बन रही है, और मैं लगा रही हूँ पोंछा। थोड़ा सा सरप पानी है, गरम पानी है, तो मतलब रोज़ रोज़ सरप पानी का पोंछा नहीं लगाती हूँ, 4-5 दिन बाद लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इसमें मिट्टी विट्टी सी, मुझे वाइट कलर का फर्श है, तो मुझे ऐसा जब लगने लगता है कि फर्श थोड़ा मिट्टी मिट्टी सा दिख रहा है, तो तभी मैं सरफ पानी वाला पोंछा लगाती हूँ। और धूप तो बिल्कुल नहीं है, और पंखे चलाकर ही सुखाऊंगी। और मैं पोंछा डेली ही लगाती हूँ, जैसे बारिश हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं पोंछा तो ज़रूर ही लगाती हूँ। मेरा मन नहीं मानता जब तक मैं घर में पोंछा ना लगाऊं, चाहे कितनी भी ठंड हो, बारिश हो रही हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरा पोंछा ज़रूर लगता है। गर्मियों में तो 2-2 बार लग जाता है, पर सर्दी में मैं 1 बार ही लगाती हूँ, पर ज़रूर लगाती हूँ। क्योंकि क्या है कि बस 2 ही रूम है मेरे पास छोटे से, तो बस उन्हीं में सारा काम होता है, हम 4 लोगों का उठना बैठना, और बाहर से भी जो भी आते हैं तो उनका भी होता है। तो इस करके है ना, थोड़ा सा गंदा जल्दी से मालूम पड़ने लगता है। तो बस जैसे बड़े घर होते हैं तो उनमें क्या है कि अलग अलग रूम होते हैं, और फिर इतना गंदा नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन जहाँ थोड़ी जगह होती है
और थोड़ी जगह में रहना करना सब कुछ होता है ना, तो वो जगह ज़्यादा गंदी मालूम पड़ने लगती है। तो बस मैंने फ़ैन चला दिया है, तो बस इधर का लगा लेती हूँ मैं, पोछा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो पोछा मेरा कंप्लीट हो गया है और ये पैरदान है तो वो मुझे धुलने हैं, क्योंकि अभी बारिश वगैरह हुई है तो अंदर बाहर मिट्टी वाले पैर जूते चप्पल से ये सारे हो गए काफ़ी गंदे। तो मैंने आज मतलब दूसरे डाल दिए हैं और ये वाले धुल के डाल दूँगी। अभी उतनी धूप तो नहीं निकलती है और हाथ से ही धुलूँगी और ड्रायर में भी नहीं सुखाऊँगी। 4-5 दिन जो भी लेंगे तो ये धूप में ही सूखेंगे, क्योंकि क्या हुआ पहले मैंने एक जोड़ी पैरदान ना हाँ मशीन में धुले और फिर मैंने ड्रायर में सुखा दिए ना, तो उससे क्या हुआ ना उनके धागे टूट गए और वो थोड़े से ख़राब से हो गए। तो इस करके अब मैं मतलब ड्रायर में नहीं सुखाती हूँ और हाथ से ही धुलती हूँ और धूप में सुखाती हूँ। जो भी 2-4 दिन लगते हैं तो लगते हैं, लेकिन मैं धूप में ही सुखाती हूँ। तो बस इन्हें धुलकर और डाल दूँगी धूप में। धूप तो ऐसे ही निकल रही है, 4-5 दिन तो लगेंगे सूखने में। तो पर यह है कि जैसे आज मैं धुल के इन्हें डाल दूँगी धूप में, मतलब बाहर पड़े रहेंगे, धूप बहुत हल्की है तो उससे क्या है कि आज इनका सारा पानी है ना वो सारा इसमें से निकल जाएगा, तो पानी टपकना बंद हो जाएगा इनके अंदर से। और उसके बाद फिर ये 2-4 दिन जो भी लगेंगे धूप में ही सूख जाएंगे। तो इसलिए काफ़ी इनके अंदर मिट्टी वगैरह सी हो गई थी। अंदर बाहर आते हैं बच्चे भी इतना ध्यान नहीं देते और जूते चप्पल जो मिट्टी के होते हैं वो लाकर इसी पे पहुंचने लगते हैं। तो बस उसी से इनमें बहुत मिट्टी मिट्टी भर गई थी, क्योंकि अभी बारिश वगैरह हो गई थी। तो और वो ये इनको हो भी गए 15-20 दिन पड़े हुए, क्योंकि बारिश वगैरह लग गई थी तो इस करके मैंने इन्हें हटाया भी नहीं वहाँ से और ना ही मैंने दूसरे डाले, क्योंकि फिर मैं दोनों हो जाते तो फिर नहीं सूखते और फिर डालने के लिए भी नहीं थे इसलिए। तो बस इनको धुल के और बस मैं धूप में डाल दूँगी। तो ये धूप क्या है? धूप तो ऐसे ही निकल रही है, पर निकल रही है जैसे ड्रायर में सुखा के धूप में डाल दो ना तो 2 दिन में ही सूख जाएंगे। इस टाइप की धूप निकलती है, हवा और धूप दोनों ही होती है साथ में। हवा चलती है तब हल्की हल्की धूप निकलने लगती है, और बिना ड्रायर के सुखाऊंगी तो ये टाइम लगेंगे इन्हें सूखने में, क्योंकि धूप अभी बहुत हल्की है। संक्रांत आने वाली है, लोहड़ी आने वाली है, इसलिए काफ़ी हल्की धूप